कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरिया ने आज अपना मुंह काला करने के साथ ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ईवीएम के फोटो पर भी कालिख पोता। विधानसभा चुनाव से पूर्व फूल सिंह बरिया ने दावा किया था कि यदि भाजपा इन चुनावों में 50 से ज्यादा सीट जीती तो वो अपना मुंह काला करवा लेंगे। भाजपा की मध्य प्रदेश में बंपर जीत के बाद कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपना मुंह काला करवा लिया। पहले उन्हें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने काला टीका लगाया, फिर उनका मुंह काला हुआ। विधानसभा चुनाव से पूर्व फूल सिंह बरिया ने दावा किया था कि यदि भाजपा इन चुनावों में 50 से ज्यादा सीट जीती तो वो अपना मुंह काला करवा लेंगे। बरिया भोपाल में बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ रैली की शक्ल में राजभवन के लिए निकले। पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर बैरिकेटिंग कर फूल सिंह बरैया व उनके समर्थकों को आगे बढ़ने से रोक लिया। बरिया का मुंह काला होने के बाद बरैया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की फोटो पर भी कालिख पोता। जो मैंने कहा था वो कर दिया। मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है और ईमानदारी से चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक नहीं जीत पाएगी, ये मेरे पास कैलकुलेशन है, क्योंकि भाजपा के पास नेचुरल वोट नहीं है जी। मेरे पास कैलकुलेशन है इसका, मैं उस पर काम कर रहा था। लेकिन ईवीएम का जब घोटाला आया सामने तब सरकार को वो लूट ले गए, तब फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जो मैंने कहा था वो करूंगा। मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं कि कह देते हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, कह देते हैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कह देते हैं काला धन वापस लाऊंगा, कह देते हैं कि नोटबंदी अगर गलत साबित हुई तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना, कह देते हैं कि दलित को गोली मारने के पहले मुझे गोली मार दें। जब इसका उत्तर पूछा गया तो अमित शाह जी बोलते हैं ये तो चुनावी जुमला है। क्या इंसान का जीवन चुनावी जुमला है? क्या इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फूल सिंह बरैया आज कैलकुलेशन आपको बता रहा है कि बैलेट पेपर का मामला है, पोस्टल बैलेट्स में 230 विधानसभा सीटों में 199 कांग्रेस जीती है, 31 पर बीजेपी जीती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मैंने तो 50 का ही प्रतिज्ञा की थी, ये तो 31 पर जीत रही है। और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो 200 सीटें कांग्रेस लेकर के सरकार बना ले। ईवीएम का रिजल्ट है 163 बीजेपी और 66 कांग्रेस, ये ईवीएम का रिजल्ट है। और बैलेट पेपर का रिजल्ट कौन सा है? 199-31। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब हम ईवीएम की विदा करेंगे, इसकी हमारी लड़ाई है। और देश अगर बचाना है, संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है तो काला मुंह करना तो हमारे लिए छोटी बात है, लहू वाह करके लाल मुंह भी करने को चाहिए। फूल सिंह बरैया जी को बधाई देता हूँ कि अपने वचन के पक्के रहे। मैंने उनको रोक दिया क्योंकि उनका वचन तो सही निकला, पोस्टल बैलेट में उन्हें तो 50 से कम सीटें मिली जिसमें लीड थी, इसलिए उनको कोई मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। मुंह काला करना चाहिए तो भाजपा को, जिस प्रकार से उनके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। इस दौरान बरैया के समर्थक चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने और संविधान की रक्षा करने की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। बरिया के समर्थन में दिग्विजय सिंह भी रोशनपुरा चौराहे पहुंचे, जहां पर समर्थकों की नारेबाजी के बीच दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया को प्रतीकात्मक रूप से काला टीका लगाया। इस दौरान बरैया और उनके समर्थकों ने दावा किया कि यदि आज पोस्टल बैलेट से चुनाव करवा लिए जाए तो भाजपा प्रदेश में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। साथ ही उन्होंने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए ये भी कहा कि पोस्टल बैलेट से चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 200 सीट जीतेगी। भाजपा की 50 से अधिक सीटें आएंगी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, और 50 से अधिक सीटें आती है भाजपा की तो वह अपना मुंह काला करेंगे राजभवन में जाके। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, आप सकते हैं उनको यहाँ से राजभवन जाने के लिए रोका जा रहा है, और अभी यहाँ पर काफी तादाद में लोग उनके साथ इकट्ठा हुए हैं मुंह काला करने की
बात कर रहे हैं, देखिए आप देखिए जी, उन्होंने कहा है कि मैं मुंह काला करूंगा, उसके बाद उसका अर्थ भी बताऊंगा। देखिए तमाम लोग साथ हैं इनके साथ में, दिग्विजय सिंह भी उनके साथ है, ये राजभवन के जा रहे थे, लेकिन उन्हें जो राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर रोक लिया गया है। लाखों की तादाद में उनके साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। उन्होंने वही उन्होंने ये भी कहा है कि ईवीएम से जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे, ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है, तभी जो जीती जिताई सीटें भी हैं वे हार गए हैं। तो बार बार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और संविधान बचाओ के यहाँ पर पोस्टर भी लगाए हैं। उन्होंने बताया गया है कि नीदरलैंड और जर्मनी इटली में जो ईवीएम से में गड़बड़ी पाई गई है वोटिंग के दौरान, देखिए उनके जो पोस्टर है वो भी लगाए गए, तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव होने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए इस समय जी आइए हम बात करते हैं। तीसरा खुद देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर जो विशेष सत्र में मोदी सरकार ने क्यों उस फैसले को बदला, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर खुद का एक मंत्री क्यों बिठाया, यानी सरकार इलेक्शन कमीशन पे अपना कंट्रोल चाहती है और इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल इसलिए चाहती है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो। आपने भी चुनाव लड़ा था, क्या कहेंगे? मैंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, विधानसभा का नहीं लड़ा था। लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब भी ईवीएम से चुनाव हुए थे, ईवीएम पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए ईवीएम पे आज से सवाल नहीं खड़े किए जा रहे, ईवीएम पे सबसे पहले सवाल किसने खड़ा किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था। और आज के जमाने में सीधी सी सच्ची सी बात यह है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो जिसमें सॉफ्टवेयर डलता है, जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें माइक्रो चिप्स का इस्तेमाल होता है, उसको हैक किया जा सकता है, उसको टेम्पर किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि हमारी मशीन टेम्पर प्रूफ है, और जब टेम्परिंग के लिए जब चैलेंज होता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप चीज ईवीएम को हैंडल नहीं कर सकते, आप ईवीएम को टच नहीं कर सकते, बिना टच करे आप उसको हैक करके दिखाइए। लोकसभा का चुनाव है अभी, क्या ईवीएम की मांग करेंगे या बैलेट पेपर से पेपर चुनाव होने चाहिए उसकी? देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वह क्या कराना चाहती है, पर देश की जनता ये चाहती है कि जो बार बार ईवीएम पर जो प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, बार बार जो देश की पार्टियां प्रश्न चिन्ह उठाती हैं और जनता का विश्वास इसमें डगमगाता है, तो इसलिए ईवीएम के ऊपर से संदेह पूरी तरीके से हटना चाहिए। मैं यहां तक कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम बंद करना नहीं चाहता तो कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि इलेक्शन की जो वीवीपैट पर्चियां हैं वो मतदाता के हाथ में आए, और उसके बाद जैसे बैलेट में डाली जाती थी पर्चियां, आप पर्चियां दूसरे बैलेट में एक बॉक्स में डलवा लीजिए। कम से कम मतदाता को ये पता होना चाहिए कि आपने अगर भाजपा को या कांग्रेस को वोट दिया तो आपका वोट आपके हाथ में, ये वोट गया है। अभी हम लोग दे रहे हैं वोट और वोट मशीन में जा रहा है, ये नहीं पता पड़ रहा है कहां जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम पे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो ये भी लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन के साथ साथ एक बैलेट पेपर भी रखना चाहिए ताकि ये पता चल चुके कि उन्होंने अपना वोट कहां दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।